जोन, ये आपको थोड़े थोड़े टाइम में अलग अलग जोन बनाता रहेगा ताकि आप उनके ब्रेकआउट पे एज अ उनको कन्फर्मेशन या एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके उसको ट्रेड कर सकते हो. उसका नाम है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस. मैं निकेश बसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एक न्यू वीडियो पे. आज हम बात करने वाले हैं, देखो ट्रेडिंग व्यू का नाम तो सबने सुन के रखा है, ठीक है. ट्रेडिंग व्यू को मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस या इंटरमीडिएट भी हो, अगर आप बिगिनर लेवल पे भी हो तो भी आपने ट्रेडिंग व्यू का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये चार्टिंग में फिलहाल लीड कर रहा है मार्केट में. चार्टिंग सॉफ्टवेयर, चार्टिंग चार्ट्स एंड ऑल प्रोवाइड करने में फिलहाल ये मार्केट लीडर है. तो ट्रेडिंग व्यू के ही कुछ पांच ऐसे इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का नाम भी आपने सुना होगा. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो आपको कुछ इंडिकेट करते हैं मार्केट के बारे में, कि स्ट्रेंथ इंडिकेट कर लेते हैं, वॉल्यूम इंडिकेट कर लेते हैं, या कुछ भी ट्रेंड इंडिकेट कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं इंडिकेटर्स. तो काफी सारे इंडिकेटर्स आपके पास. ट्रेडिंग व्यू के खुद के जो ट्रेडिंग व्यू ने बनाए थे वो 100 के आसपास है, एंड जो ट्रेडर्स ने बनाए थे, लाइक जो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, लाइक उसमें आपको ऑप्शन भी है कि आप खुद का एक स्ट्रेटेजी या खुद का एक इंडिकेटर भी बना सकते हो. ट्रेडिंग व्यू बहुत बढ़िया इसलिए ही है क्योंकि आप, अगर आपको शायद ना मालूम हो तो पाइन एडिटर करके यहाँ पे एक ऑप्शन है जिधर से आप खुद की इंडिकेटर भी बना सकते हो एंड स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो कोडिंग करके. ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड इनकी थोड़ी लैंग्वेज भी अलग है. लाइक पाइन एडिटर की पूरी अलग ही लैंग्वेज है, लाइक सी लैंग्वेज एंड वो सब इसमें काम नहीं आएगा, HTML और ऑल तो है उसमें भी. इन्होंने एक्सप्लेन भी करके रखा है कैसे यूज करते हैं, तो वो थोड़ा अलग फंडा है, आपको इसके बारे में नहीं जानना चाहिए. तो फिलहाल मेन बात पे करते हैं कि इंडिकेटर्स. तो काफी सारे इंडिकेटर्स में से मैं आपको अभी ये वीडियो में पांच ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी नहीं सुना ही नहीं होगा इनके बारे में, कभी सुना ही नहीं होगा. एंड सुना होगा तो आपको शायद यूज करने नहीं आया होगा इसको, या इसका मतलब क्या है, इंडिकेटर क्या इंडिकेट क्या कर रहा है वही आपको नहीं पता होगा, या तो आपने सिर्फ नाम सुना होगा कभी लगाया नहीं होगा, एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा. अपन शुरू करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में. अब यहाँ पे आप जा सकते हैं इंडिकेटर्स में. ये फिलहाल मैं 1 मिनट इसलिए रखा है क्योंकि मैं मोस्टली 1 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा काम स्कैल्पिंग का चलता है. मैं ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड्स में बिलीव नहीं करता, स्कैल्प करके निकल लेता हूँ 10-15-20 मिनट के अंदर. तो फिलहाल सबसे पहला इंडिकेटर जो आपका ट्रेडिंग व्यू के अंदर इनबिल्ट है, एंड शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा बट आपको शायद पता नहीं है इसको यूज कैसे करते हैं, इसका नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिए इसको, ओपन हो जाएगा. तो फिलहाल आपको ये ADX दिख रहा है. ADX क्या होता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, मतलब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है, वॉलेटिलिटी यानी ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो आपको ये इंडिकेट करता है ADX. अब ADX जब भी, इनका खुद का मानना है ट्रेडिंग व्यू का, ADX जब भी 20-25 के नीचे होता है तो आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज तब मार्केट में मूवमेंट्स एंड वॉलेटिलिटी नहीं होती है. तो क्या मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो ADX की वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे जब मैं घुमा रहा हूँ माउस को तो आप देख सकते हो 10-11-20 के नीचे चल रहा है ओवरऑल, देखो ठीक है. तो अब अगर आप ऊपर देखोगे तो आप देख सकते हो मार्केट में भी कोई मूवमेंट ही नहीं है, वॉलेटिलिटी ही नहीं है. तो इस पेज पे आप एंट्री लेके कर भी क्या लोगे, खामखा आप यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने तो आपको 20-25 मिनट तो सिर्फ होल्ड करने में लग जाएगा कि भाई अभी तक कुछ मूव ही नहीं आया है. एंड हो सकता है आपने यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया हो, तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा बट फिर आपको मूवमेंट आ गया अपसाइड. तो इसलिए ADX काम आता है. अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ADX की वैल्यू देखिए 54 के ऊपर जाती हुई दिख रही है, 50 के आसपास चली गई है. और आप यहाँ पे चार्ट को देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, कितनी बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी आ गई है, कितनी बड़ी वॉल्यूम ट्रेड होने लगी है, कैसा ट्रेंड चेंज हो गया है पूरा. तो ये इंडिकेट करता है आपको ADX. अब ADX के ऊपर सोलली आपको डिपेंडेंट होकर ट्रेड नहीं करना है कि ADX ऊपर जाएगा तो मैं ये एंट्री लूंगा, ADX नीचे रहेगा तो मैं नई एंट्री लूंगा. ये सिर्फ आपको इसलिए है कि आपको कंफर्मेशन है कि आपका जो स्ट्रेटेजी अभी है तो आपको एंट्री लेना है, तो अभी वॉलेटिलिटी वो चल रही है या नहीं, ट्रेंड की स्ट्रेंथ वो चल रही है या नहीं. अभी आप यहाँ पे ले सकते हो, देखो ऐसा भी है ADX में कि अगर ADX 40-50 के ऊपर जा रहा है तो उसके बाद वॉलेटिलिटी कम होने का भी चांस हो जाता है. देखो ये 50 के आसपास जा चुका है, वॉलेटिलिटी फुल थी, बिल्कुल गैप्स हो रही थी कैंडल्स के बीच में. फिर जैसे जैसे ये नीचे आना चालू हुआ, नीचे आएगा ही 50 के बाद नीचे आएगा ही, तो आप देख सकते हो वापस वॉलेटिलिटी कम हो गई. ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है. 20-25 के नीचे हो तो वॉलेटिलिटी नहीं है, एंड 50-45 के ऊपर चला जाता है तो आपको वॉलेटिलिटी नहीं आने वाली है, कम होने वाली है. तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको इस पर ट्रेड करना है, वो इंडिकेट करता है ADX. तो चलिए सेकेंड इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं. सेकेंड इंडिकेटर है 3-in-1 EMA. अब ये वाला इंडिकेटर जो है वो आपको ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट नहीं है, ये किसी ने बनाया है, वो वाला इंडिकेटर है. अब ये देख सकते हैं 3 EMAs एंड 3 MAs,
यानी तीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और तीन नॉर्मल मूविंग एवरेज इन वन इंडिकेटर, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, इसने मूविंग एवरेज को प्लॉट नहीं किया है, मैं चाहूँ तो मूविंग एवरेज को भी प्लॉट कर सकता हूँ, बट मूविंग एवरेज को मेरा तो कोई काम ही नहीं है मूविंग एवरेज का। अगर आपको मूविंग एवरेज चाहिए तो आप ये तीन बंद करके मूविंग एवरेज ऑन कर सकते हैं। तो ये जो तीन फिलहाल एक्टिव है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ओके कर दो। अब ये आपको दिख रहे हैं कलरफुल, आपको जो ये लाइंस दिख रही है ये आपको कैसे ट्रेड करना है, क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ब्लू लाइन ऊपर चल रही है, ग्रीन लाइन नीचे चल रही है। अब ये क्रॉस ओवर हुआ लाइंस का, ब्लू लाइन नीचे आ गई, ग्रीन लाइन ऊपर आ गई, आपने यहाँ पे बाय एंट्री ले ली एंड ये आपको प्रॉफिट हो गया। उसी बेसिस पे ये ग्रीन ब्लू नीचे है, ग्रीन ऊपर है, ग्रीन नीचे आई, आपने यहाँ एंट्री ले ली, आपको प्रॉफिट हो गया। बट ये काफी चेंज होता रहता है, इसके ऊपर आप डिपेंडेंट कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लाइक ये देखो, ये आपकी कितना क्रॉस ओवर हो रहा है बट मूवमेंट्स तो है ही नहीं। तो आप इसके साथ ADX यूज कर सकते हो, यही तो फंडा है इंडिकेटर्स का। ये आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है बट आपको मूवमेंट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा मूवमेंट है कि नहीं, ADX बताएगा आपको। समझो आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा एंड यहाँ पे ये कैंडल पे ADX भी अगर आपको 25 के ऊपर या 20 के आसपास दिख रहा है, 20 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री ले सकते हो। इस तरीके से आपको इंडिकेटर यूज करना है। फिर लोग बोलते हैं इंडिकेटर में नहीं लगाता, भाई मैं तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर, मैं तो प्राइस एक्शन किंग हूँ, यार ये सब फालतू का वो सब मत किया करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। थर्ड इंडिकेटर, ये भी आपका ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट इंडिकेटर नहीं है, ये भी ट्रेडर्स ने बनाया है। क्या नाम है इसका? RSI नहीं है, RSI कैंडल्स है। फिर आप ऐसा में बोल रहे हैं यार तुम तो वही RSI बता रहे हो, RSI कैंडल्स है। और उसमें भी RSI कैंडल सर्च करने पे जो ग्लास का आ रहा है ना, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने ग्लास वाले का ही किया है, लाइक इसका ही मैंने समझा है अभी तक। अब इसमें देखो मेरा क्या है, थोड़ा कलर मिसमैच हो रहा है बिकॉज मैंने बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक करके रखा है एंड कैंडल्स का कलर भी मैंने खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके रखा है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ ताकि आपको भी विजिबल हो जाए। मैं इसको येलो कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ पर्पल, ओके। अब ये क्या इंडिकेट करता है, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम है RSI का और ये RSI कैंडल्स है, मतलब ये आपको ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ चल रहा है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपको वीकनेस दिख रही है या आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, वो इंडिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये चल रहा है डाउन ट्रेंड, आप क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक डबल टॉप दिख रहा है, ये सिंगल टॉप, ये डबल टॉप, अभी अपसाइड जाना चालू हुआ। तो आप यहाँ पे कंफर्म कैसे करेंगे कि मुझे ये ट्रेड लेना है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं, क्योंकि अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है तो ही तो आप यहाँ पे बाय करेंगे ना। अगर ट्रेंड स्ट्रेंथ वाला है तो आप क्यों बाय करेंगे, रिस्क क्यों लेंगे? अगर ट्रेंड में ऑलरेडी इतना स्ट्रेंथ है कि ये कंटिन्यू हो सकता है नीचे, तो आप यहाँ पे बाय क्यों करेंगे? तो उस बेसिस पे ये आपको RSI इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है, RSI कैंडल्स इंडिकेट कर रही है, RSI बार्स, RSI कैंडल्स नाम है, तो आपको इंडिकेट कर रही है कि ये स्ट्रेंथ इतना नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन आपको देखना है तो आप गूगल करके देख सकते हो, मैं इतना सब नहीं बताने वाला। इसका रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड का, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको डबल बॉटम मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ कहीं पे आपने बाय कर दिया एंड हो गया आपका प्रॉफिट, एज यू कैन सी। अब आपको मैं एक वो वाला भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, बढ़िया सा अप ट्रेंड। यहाँ पे से आपको सिग्नल्स आने चालू हो गए कि भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होना चाहिए ट्रेंड का, वो इतना हाई नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ट्रेंड। तो ये आपको अपसाइड में, अपसाइड जाएगा तो आपको येलो फॉर्म होगा, डाउनसाइड आएगा तो आप पर्पल फॉर्म होगा, या जो भी कस्टमाइज करके रखते हैं। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इतना नहीं है ट्रेंड का, तो आपको शायद वेट करना चाहिए कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ही आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल दिख रही है, हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है? हैमर कैंडल जो अपसाइड बनती है, यूजुअली हैमर कैंडल नीचे बनती है डाउन ट्रेंड में, बट हैंगिंग मैन कैंडल वो होती है जो अप ट्रेंड में बनती है, उसको भी हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। इसके बाद एक रेड कैंडल कंफर्मेशन भी दे रही है कि मार्केट वीक है। आप यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन ले लेते हो ये कैंडल पे, यहाँ कहीं के साथ स्टॉप लॉस लगा के 1:1 या 1:1.2 भी ले सकते हो, तो भी आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो आप इस बेसिस पे इसको ट्रेड कर सकते हो, इस बेसिस पे इसको यूज कर सकते हो ये इंडिकेटर को कंफर्मेशन के लिए। सारे इंडिकेटर हमेशा कंफर्मेशन के लिए ही होते हैं, ऐसा नहीं आप किसी इंडिकेटर पर डिपेंडेंट हो गए आपको वो करोड़पति बना देगा या प्रॉफिटेबल कर देगा, नहीं। आपको 2-3 इंडिकेटर या एक भी इंडिकेटर का यूज करना है, थोड़ा खुद का लॉजिक लगाना है, थोड़ा प्राइस एक्शन का लॉजिक लगाना है, फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में सिर्फ मुश्किल से 10% लोग ट्रेडर्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, उनमें से भी 5% होते हैं जो प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाते हैं।
तो आपको 10% में भी आना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कोई एक इंडिकेटर आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको प्राइस एक्शन का यूज करना है, इंडिकेटर्स का यूज कंफर्मेशन के लिए करना है, दो तीन इंडिकेटर्स का यूज एक साथ करके आप कंफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो, उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। यूजुअली ये फोर्थ रैंक पे तो नहीं था, इसको थर्ड रैंक देना चाहिए था मुझे, बट ये है फोर्थ पे फिलहाल हम दे रहे हैं। क्या नाम है इसका? पिवट पॉइंट नहीं है भाई, इसका पिवट पॉइंट नाम नहीं है, इसका पिवट पॉइंट सिर्फ फर्स्ट टेप है, पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग व्यू का यूज भी करते हो, अगर आपको कुछ महीने भी हुए ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हो और आप यूट्यूब पे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखते हो, तो सुपर ट्रेंड तो आजकल बहुत ही फेमस चल रहा है। सुपर ट्रेंड तो किसने नहीं सुना, किसी के टेक्निकल एनालिसिस का यूज करने वाले ट्रेडर ने तो सुपर ट्रेंड का नाम सुना ही है। बट ये पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड है लोनसम का, ठीक है, लोनसम डब्ल्यू करके है इनका नाम, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपको सुपर ट्रेंड जो आ रहा है, जैसे जनरली सुपर ट्रेंड जो होते हैं उनसे ये कैसे अलग है, क्योंकि सुपर ट्रेंड की उनकी अलग कैलकुलेशंस होती है, सिर्फ सुपर ट्रेंड की कैलकुलेशंस होती है, मूविंग एवरेजेस एंड वॉल्यूम्स एंड ऑल का यूज करके वो सुपर ट्रेंड होता है। बट ये पिवट पॉइंट पे बेस्ड सुपर ट्रेंड है, यानी इसमें सिर्फ सुपर ट्रेंड की कैलकुलेशंस यूज नहीं हो रही, इसमें पिवट पॉइंट्स के साथ सुपर ट्रेंड की वो कैलकुलेशंस लगाई है, तो ये आपको ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू नॉर्मल सुपर ट्रेंड। एंड अभी ये कैसे इंडिकेट करता है आपको, ये आपको ट्रेंड चेंज हो रहा है वो इंडिकेट करता है, लाइक रेड कैंडल चल रहा है तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, ग्रीन कैंडल चल रहा है तो ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, एंड इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड चल रहा है एंड इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये आपको बाय एंड सेल सिग्नल दिखाता भी है कि बाय है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया एंड अप ट्रेंड चालू हो गया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, ये वाली कैंडल पे आया है सेल तो आपने नीचे चला गया, और ये वाली कैंडल पे आपको बाय आया है, आपने बाय कर लिया, अब चला गया, यहाँ पे सेल आया। अब ये भी नॉर्मली आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर इसके ऊपर आप डिपेंडेंट होके नहीं, जब ये बाय बोलेगा मैं बाय करूंगा, जब ये सेल बोलेगा सेल करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो एंड ट्रेंड देखने के लिए यूज कर सकते हो कि ट्रेंड अपसाइड चल रहा है या डाउन साइड है। ये अगर आपको ये रेड लाइन दिख रही है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको डाउन साइड का जो ट्रेड लेना है वो लेना चाहिए, एंड अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको अपसाइड का जो ट्रेड लेना है वो लेना चाहिए। एंड ऑल्सो ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी थोड़ा बहुत काम करता है, दिखेगा तो उसमें भी आपको ये काम आ सकता है, पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड। तो चलिए फिफ्थ एंड द लास्ट इंडिकेटर जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ये एक आपको जोन बना के दे देगा, लाइक ऐसे जोन बना के दे देगा, और वो भी ऐसा नहीं कि एक दिन का एक जोन, ये आपको थोड़े थोड़े टाइम में अलग अलग जोन बनाता रहेगा ताकि आप उनके ब्रेकआउट पे एज अ उनको कन्फर्मेशन या एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके उसको ट्रेड कर सकते हो। उसका नाम है लिक्विडिटी स्विंग्स, लक्स अल्गो का आएगा, ये देखिए लक्स अल्गो लिक्विडिटी स्विंग्स। ये इंडिकेटर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फिलहाल आज इतना कुछ खास मूवमेंट्स नहीं है, मैं आपको कल का दिखाता हूँ क्योंकि अभी मार्केट तो चालू ही है, 14th डेट का दिखाता हूँ मैं, ये 14th डेट आके आपको देखो कैसे अलग अलग जोन्स बना रही है आपके लिए, कि आपको ये जोन बन गया, ये जोन पे आपको लेना है, ये जोन पे आपको लेना है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक जोन बनाया हुआ है, ठीक है, इसने अब इसका मतलब है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसने बना के दिया है आपको। अगर ये ब्रेकआउट होता है या इसके पास आसपास आके कोई आपको रिजेक्शन दिखता है तो आपको ट्रेड लेना है। अब ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हुआ ये कैंडल के थ्रू, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ये रहा प्रॉफिट आपका, फिर एक और इसने बना दिया रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पे टच करके, मतलब रेजिस्टेंस है तभी ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर, फिर एक और ब्रेकआउट दे दिया ये रेजिस्टेंस को, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इन्होंने दे दिया, उसके बाद देखो कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर ये देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ ये वाले रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे आपको देखो अपसाइड मूव मिल गया। तो आप इस बेसिस पे ये इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, मैंने इसको बैक टेस्ट भी किया है, इसको मैंने बैक टेस्ट खुद की स्ट्रेटेजीज के साथ किया है, मेरी खुद की प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है उसके साथ मैंने इसको बैक टेस्ट किया है एंड काफी अच्छा वर्क किया है, इवेंचुअली बहुत बढ़िया है, एंड आप इसको कंफर्मेशन के लिए बहुत ही बेटर है, अगर आप कंफर्मेशन के लिए इसको यूज करते हो तो उस बेसिस पे आपको ये काफी बढ़िया रिजल्ट्स दे देगा। एंड अगर आपको मेरा स्ट्रेटेजी देखना है, जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ जिस बारे में मैंने आपको बोला, मैं वो स्ट्रेटेजी में ये इंडिकेटर लगा के देखा, तो उसके ऊपर स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हमने एक वीडियो डाल रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो, वो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, वो स्ट्रेटेजी में मैंने काफी डिटेल में बता के रखा है कि क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रेड करना है, एंट्री एंड एग्जिट के साथ। जनरली लोग आपको एंट्री लेना सिखा देते हैं, एग्जिट लेना नहीं सिखाते, कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आपको एग्जिट करना है कैसे करना है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है आपको डिटेल में। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट चार्ट पे कैसे आप 5 से 15 मिनट के अंदर एंट्री लेके प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाओगे, आपको ट्रेड देखने की भी जरूरत नहीं है कि आपने क्या चल रहा है,
ब्रैकेट ऑर्डर में आपको बाय करना है, छोड़ देना है बाय करके, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थे पांच इंडिकेटर्स, आपको ये सारे पांच इंडिकेटर्स का नाम नोट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी वेबसाइट है bazaarbadshah.com, एज यू कैन सी bazaarbadshah.com, स्पेलिंग नोट कर लीजिए bazaarbadshah.com। इधर आप आएंगे, इधर आपको होम पेज पे से आपको ये सब दिख जाएंगे, हमारे जो कैटेगरीज है, अपकमिंग लाइव एंड रिसेंट आईपीओस, आपको आईपीओस के बारे में सब जानकारी, हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स है, मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स में कौन से टॉप 10 है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी आपको मिल जाएगी, इसमें भी मैंने वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डाल रखी है। एंड ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये वाला आर्टिकल हमने डाल के रखा है, 5 ट्रेडिंग इंडिकेटर्स यू डिडंट नो अबाउट। तो आप यहाँ पे आके भी सारे इंडिकेटर्स देख सकते हो, एंड मैंने उन सब इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन भी किया है, उनका यूज क्या है, वो इंडिकेट क्या करते हैं, एंड समरी, समरी में कैसा है कि आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5 सब इंडिकेटर्स आपको मैंने मेंशन करके रखे। तो गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे अंडर, देखो हमारी ऑफिस है ये शेरखान की, शेरखान में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो लो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर में हमारा काम चलता है, हमारा स्टाफ हमको रिलेशनशिप मैनेजर आपको दे देंगे टाइम, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो तो, एक्टिव ट्रेडर यानी आप मंथली कुछ भी ट्रेड्स कर लेते हो, फ्यू ट्रेड्स, तो भी आपको एक्टिव ट्रेडर की गिनती में आ जाओगे। तो आपको टाइम टू टाइम कोर्सेस भी मिलेंगे, एडवांस लेवल पेड कोर्सेस फ्री में, एंड आपको हमारे साइड से स्ट्रेटेजीज भी मिलती रहेगी, प्राइवेट जो यूट्यूब वीडियोज होती है जो प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए होती है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। एंड सिर्फ इतना नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ ऑलरेडी 150 प्लस मेंबर्स हैं, जिनका हमारे अंडर अकाउंट है शेरखान में, 150 प्लस मेंबर्स ऐड हो जाओगे आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें से आपको डेफिनेटली डेली जो हम 2 से 3 कॉल्स भेजते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए भेजते हैं, तो आप वो कॉल्स का भी बेनिफिट ले सकते हो, लर्निंग एंड अर्निंग आपकी दोनों बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली मेक श्योर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शेरखान में अकाउंट ओपन करने का, एंड अगर आपको कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो नंबर भी दिया हुआ है, एंड अगर आपको ऑलरेडी शेरखान में अकाउंट हो तो भी आप हमारे अंडर में शिफ्ट कर सकते हो शेरखान अकाउंट फ्री में, शिफ्टिंग भी फ्री में हो जाएगा, तो आप शिफ्ट करके भी आप हमारे जो सर्विसेज है और लो ब्रोकरेज है उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड डेफिनेटली आप ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा आपके फ्रेंड्स को, जिनको इंडिकेटर्स आप चाहते हो वो जाने तो उनको शेयर जरूर कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाय बाय।